मौत के बाद भी क्यों लगातार लेबनान पर मिसाइलें दागी जा रही हैं? नसरल्लाह की मौत के बाद अभी भी इसराइल के निशाने पर लेबनान क्यों है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। आपने कल ही जाना है कि हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इसराइल ने हमला किया, मिसाइलें दागी और यहां पर कई लोगों की मौत के साथ ही जो मुख्य हैं, जो चीफ है हिजबुल्लाह के, नसरल्लाह, उसकी मौत हुई है और नसरल्लाह की बेटी की भी, जैनब की भी मौत हुई है। कल ये पुष्टि हो गई थी कि मलबे से जैनब का शव निकाला गया और ये भी क्लियर हो गया था कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरल्लाह वो भी मारा गया है। लेकिन अभी भी लगातार इसराइल लेबनान पर हमला कर रहा है। आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह के चीफ की मौत के बावजूद अभी इसराइल शांत नहीं हुआ है और ये लगातार अभी भी हमला कर रहा है और ये हमला क्यों कर रहा है वो भी आपको बताएंगे। देखिए कि अभी हाल ही में मिसाइलें दागी गई हैं और इसमें तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। कई लोग, दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। अब इजरायली हमले जारी हैं और इस दौरान जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका ये कहना है कि हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। ईरान ने यूएनएससी की बैठक भी बुलाई है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी इसराइल ने लेबनान में हमले जारी रखे और इस दौरान 33 लोगों की मौत हुई है, 195 लोग घायल हुए हैं। आंकड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है। और हमले के बाद अपने स्टेटमेंट में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा, ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायल कहीं भी पहुंच सकता है। वहीं ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। तो दूसरी तरफ नसरल्लाह को मारने के लिए 27 सितंबर को इजरायल ने 8 लड़ाकू विमान भेजे थे और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 2000 पाउंड के 15 बम गिराए गए थे। तो वहीं अमेरिका में बने BLU-109 बम थे, जिन्हें बंकर बस्टर भी कहा जाता है। ये लोकेशन पर अंडरग्राउंड तक घुसकर विस्फोट करने में सक्षम हैं और ये हेडक्वार्टर पर जो बम गिराए गए थे यही बम थे जो आपको हम बता रहे हैं। और इसी दौरान इनकी नसरल्लाह और नसरल्लाह की बेटी जैनब की मौत हुई थी। अब आपको हम कुछ और बताने जा रहे हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डिटेल्स हैं। दरअसल अमेरिका बोला कि हमले से चंद मिनटों पहले इसराइल ने प्लान की जानकारी दी थी। अमेरिका ने कहा कि इसराइल ने उसे नसरल्लाह पर हमले की जानकारी दी थी। जब इसराइल ने फाइटर जेट्स अटैक के लिए उड़ान भर चुकी थी तब उन्हें इस हमले की जानकारी मिली थी। इसराइल के रक्षा विभाग पेंटागन के प्रवक्ता सबरीना सिंह ने बताया है कि जब बेरूत पर बम बरसाए जा रहे थे तब अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इसराइली डिफेंस मिनिस्टर से बात की थी और इसराइल के अधिकारियों ने दावा किया है कि हमला करने के कुछ समय पहले उन्होंने अमेरिका को अपने प्लान की पूरी जानकारी भी दे दी थी। और आप ये देखिए कि इसराइल ने लाल सागर से आए ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और हुतियों ने यमन से एक मिसाइल दागी थी जिसे रोक दिया गया था। और रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल को पीएम नेतन्याहू के इसराइल लौटने के समय के हिसाब से लॉन्च किया गया था। जरा सोचिए, और यही कारण है कि जब नेतन्याहू ने अपना जैसे ही भाषण कंप्लीट किया उसके ठीक 1 से 1.5 घंटे के बाद ही ये लगातार हमले होते रहे। 18 साल से मौजूद इसराइल के अंडरकवर एजेंट्स जो कि लेबनान में थे और 2006 में लेबनान के खिलाफ दूसरी जंग खत्म होने के बाद से इसराइल हिजबुल्लाह को खत्म करने की तैयारी में जुटा हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि नसरल्लाह जो था उसे मारना इसलिए बहुत जरूरी था, ऐसा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अगर ये बच जाता है, भले पूरा लेबनान, पूरा ये इलाका खत्म हो जाता है, उसके बावजूद अगर ये बच जाता है तो कहीं ना कहीं ये हिजबुल्लाह को दोबारा से खड़ा कर देगा और मजबूत भी कर देगा, फिर हमले करेगा। और यही कारण है कि पूरी तरीके से तबाह किया जा रहा है। इसराइल का साफ तौर पर कहना है कि जो हमले नसरल्लाह की मौत के बाद भी किए जा रहे हैं इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा जो सफाया है वो करना है ताकि कोई भी आगे चल के इनके खिलाफ खड़ा ना हो, हथियार लेकर खड़ा ना हो और इसराइल के जो नागरिक हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और इस वजह से ये हमले लगातार जारी रहने वाले हैं। नसरल्लाह की मौत का जवाब कैसे देना है इस पर ईरान की सरकार में मतभेद देखा जा रहा है। देश के रूढ़िवादी नेता इसराइल पर बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो ऐसा हमला करना चाहते हैं जो इसराइल इसके बाद ईरान पर पलटवार करने की कोशिश भी ना करें। यानी कि आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से इसराइल ने अभी बड़ा हमला किया है उसके बावजूद अभी भी ये कहा जा रहा है
ईरान सरकार की तरफ से कि ऐसा कुछ सख्त कदम उठाया जाना चाहिए ताकि इसराइल दोबारा इनकी तरफ आंख उठाकर ना देखे। लेकिन देखना यही है कि क्या नसरल्लाह की मौत के बाद भी, हिजबुल्लाह संगठन को पूरी तरीके से तबाह करने के बाद भी ये जो हमला लगातार किया जा रहा है ये कब तक शांत होता है? क्या ये हमला लगातार जारी रहेगा? क्योंकि इसमें उन लोगों की भी जान जा रही है, वो लोग भी परेशान हो रहे हैं जिन लोगों का इसमें शायद कोई कसूर भी नहीं। आम जनता, छोटे छोटे मासूम बच्चे, दूध पीते बच्चे, बुजुर्ग, वो लोग परेशान हैं जिनके शायद अब रहने खाने पीने का ठिकाना नहीं है, रोड पर आ चुके हैं और इस दौरान ना जाने कितनी प्रताड़ना झेल रहे हैं। देखना यह है कि शांति कब तक बहाल होती है, क्योंकि तमाम देशों की कोशिश है कि जो तमाम सारे देश जब मिलकर बैठक करते हैं तो इस पर शांति करने की कोशिश की जाए, संघर्ष विराम की कोशिश की जाए। क्या निकलकर सामने आता है ये भी देखना होगा। फिलहाल बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क की टीम के साथ। नमस्कार।